हाँ तो बच्चा लोगों वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है मैं वेद इस वीडियो में आपका बहुत सारी बुकों की हेल्प से एक स्टैंडर्ड नोट्स के साथ साथ एक सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया गया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हेल्पफुल लगे तो आप इसे जो है कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ वीडियो देखने के पहले ही आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक like करना ना भूलें चलिए अब हम पढ़ाते हैं आज हम स्टडी करेंगे बी एस सी सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट वन यूनिट वन का क्या नाम है केमेस्ट्री ऑफ थ्री डी मेटल्स केमिस्ट्री ऑफ थ्री डी मेटल्स याद रखिए कि बी एस सी सिक्स सेमेस्टर का लेक्चर थर्टीन है तेरवा लेक्चर है ये तेरवा आपका लेक्चर है अगर आपको सारे लेक्चर देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं तो हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इस यूनिट में सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है पहला हमारा क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्लेड बाई क्रोमियम आयरन कोबॉट निकिल एंड कॉपर ठीक है तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है पहला तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्लेड बाय सी आर क्या है क्रोमियम एफ का मतलब आयरन कोबोल्ट निकिल एंड कॉपर ठीक है इनके इनके बारे में हमें पढ़ना है पहले यह आपका जो है कि आ, अगर पूरा ओवरऑल आएगा तो फिफ्टीन मार्क्स में आएगा ठीक है फिफ्टीन मार्क्स में अगर एक का आएगा तो फाइव मार्क्स में आएगा इंडिविजुअल आएगा कि डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्लेड बाय क्रोमियम तो ये तो तब तो फाइव मार्क्स में आ जाएगा अगर ओवरऑल आएगा तो फिफ्टीन मार्क्स में आएगा डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्लेड बाय थ्री मेटल्स के बारे में आएगा तो आपको फिफ्टीन मार्क्स में आएगा जो कि आपको लिखना पड़ेगा उसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है अ स्टडी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स अ स्टडी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स क्या क्या उनमें स्टडी करनी है इनक्लूडिंग क्या प्रिपरेशन एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ याद रखना हमें निम्नलिखित कंपाउंड के प्रिपरेशन तथा उनके महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज को पढ़ना है उसके बाद हमें क्या पढ़ना है अभी कंपाउंड में क्या पढ़ना है देखो कौन कौन से कंपाउंड है पराग्जो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम क्या है पराग्जो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम उसके बाद क्या है के टू सी आर टू ओ सेवन उसके बाद क्या हमारा के एम एन ओ फोर का पढ़ना है हमें के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स का पढ़ना है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का पढ़ना है और हमें क्या किसका पढ़ना है सी ओ एन एस थ्री का होल सिक्स सी एल थ्री और एन ए थ्री सी ओ एन ओ टू का होल सिक्स ये ये हमारा पूरा सिलेबस है जो कि हमें केमेस्ट्री ऑफ थ्री मेटल्स में पढ़ना है तो याद रखिए कि इसमें आपका नोट्स भी है तो आप नोट्स को क्या करेंगे लिख लेंगे नोट्स को लिखेंगे और बिल्कुल डिटेलिंग से पढ़ेंगे कुछ छोड़ना नहीं आपको अगर आपको हंड्रेड परसेंट मार्क्स चाहिए अगर गुड स्कोर करना है आपको हंड्रेड परसेंट करना है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा तो इस वीडियो में हम आपका यह पोर्शन कवर कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्लेड बाय क्रोमियम एफी कोबाल्ट, निकिल एंड कॉपर ठीक है उनकी हम इसको हम डिस्कशन करेंगे ठीक है तो ई याद डिस्प्लेड का मतलब क्या होता है प्रदर्शित करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्लेड बाय क्रोमियम मतलब क्रोमियम के द्वारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्ले होता है प्रदर्शित होता है उसके बारे में हमको बताना है की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ बताना है एफ ही कोबॉल निकिल एंड कॉपर का भी बताना है तो ये है चलिए हम इस टॉपिक को आपका कवर करते हैं ठीक है तो ये बेसिक फंडामेंटल से तो बेसिक फंडामेंटल को क्या लो? कर लो क्लियर कर लो ये आपका सिलेबस से है इसे देख लेना इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है ठीक तो हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है देख लेते हैं पहला टॉपिक हमारे पास क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस बाई क्रोमियम एफी कोबॉल्ट निकिल एंड कॉपर ठीक है यह आपकी सबसे बड़ी हेडिंग हो गई ठीक है तो मैं एक एक करके सबसे पहले क्रोमियम का फिर एफी का फिर कोबॉल्ट का फिर निकिल का फिर लास्ट में कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्लेड बाई को क्या करूंगा एक्सप्लेन करता हुआ चलता चलूंगा ठीक है तो सबसे पहले ए हमें किसको कवर करना है क्रोमियम को कवर करना है किसे करना है क्रोमियम तो एक एक पॉइंट से बिल्कुल बहुत सारी बुकों से कवर किया गया इसे ठीक है तो इसलिए याद रखिए कि इसको जो है कि पूरा लिखेंगे आप वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम ठीक है तो सबसे पहले किसे डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम क्रोमियम क्या है सीआर तो सबसे पहले देखो क्या लिखा द ग्राउंड स्टेट द ग्राउंड स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट ठीक है इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फिग्रेशन है आपका क्रोमियम का वो क्या है आपका थ्री डी फाइव फोर एस वन इसे याद रखना विद हाफ फील्ड स्टेबल थ्री डी इसकी मीनिंग समझ जाओ कहन, वो कहना क्या चाह रहा है जब देखो कि इसके टर्म्स में अब आपको देखते हो कि फोर एस वन थ्री डी फाइव फोर एस वन है तो थ्री डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं थ्री डी में देखो थ्री डी में कितने ऑर्बिटल होते वन टू थ्री फोर फाइव एक दो तीन चार पांच ये नहीं है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन है वन वन टू थ्री फोर फाइव और फोर एस वन है और ये थ्री डी है तो देखो हाफ फील्ड कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है हाफ फील्ड जब ये हाफ फील्ड है तो ये क्या होता है स्टेबल होता है जब थ्री डी ऑर्बिटल जो है आपका थ्री डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है मतलब एक डी ऑर्बिटल में पांच होते हैं पांचों के पांचों क्या हैं एक दो तीन चार पांच फील्ड है तो इसको हाफ फील्ड स्टेबल ऑर्बिटल्स बोलते हैं तो इसी टर्म्स को यहां पर बोला गया है देख लो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज थ्री डी विद हाफ फील्ड ये हाफ फील्ड है देखो कोई चीज आपको रटना नहीं है स्टेबल 3d डी ऑर्बिटल अगर ये हाफ फील्ड होता है, तो क्या क्या होता है? स्टेबल होता अर्थात ये स्थायी होता है आगे देखो ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हो चलो ट्रांजिशन को हिंदी में बोलते हैं संक्रमण ठीक है यह संक्रमण श्रेणी का तत्व होता है ठीक है अब उसके बाद क्या बोला है द ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज वेरिएबल वेरिएबल का मतलब होता है एक से अधिक मतलब एक से अधिक मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका वेरिएबल बोलते हैं ठीक है ये वेरिएबल टर्म्स को समझ जाना द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज वेरिएबल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि अधिक होता है इट मीन्स इट्स सो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात यह प्रदर्शित करता है एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन वन ऑक्सीडेशन मतलब एक से अधिक जनरली इट सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सामान्यता यह क्या करता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है शो so, करता है देयर फोर इट इज अ पॉजिटिव नेचर जिसके कारण यह क्या होता है पॉजिटिव नेचर का होता है है तो ये पॉजिटिव नेचर का होता है जिसके कारण ठीक है अब पहली फंडामेंटल देखो क्या है पहला फंडामेंटल क्या है इसको देखो जनरली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज क्या प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव एंड प्लस सिक्स याद रखिए ये प्लस वन है रोमन में है ये प्लस टू है ये प्लस थ्री है ये प्लस फोर प्लस फाइव प्लस प्लस सिक्स छ मतलब एक से लेकर छ ऑक्सीडेशन स्टेट होता बट नोट में देखो बट ये सब चुराया गया है हर जगह से समझ समय सारी बुकों का निचोड़ है सम कंपाउंड एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं यही लिखा है जनरली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स बट समाउंड एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट परंतु कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं अब आइए सेकंड पॉइंट ठीक सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम विच सो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ये रोमन होता याद रखना क्या थर्ड प्लस थ्री थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल याद रखना इसमें वे कॉम्प्लेक्स जिनकी ऑक्सीकर अवस्था प्लस तीन होती वो सबसे अधिक स्थायी होते हैं ऐसे यौगिक जिनमें जिनकी ऑक्सीकर अवस्था क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है प्लस थ्री होता है द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोम विच सो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन इज मोर स्टेबल एंड प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इज सो रिड्यूसिंग करेक्टर मतलब ये अपचाय करेक्टर का होता है प्लस थ्री सबसे स्टेबल होता है और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो रिड्यूसिंग करेक्टर का होता है तो इस चीज को आपको क्या करना है समझ लेना थर्ड पॉइंट देखो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा दोस कंपाउंड याद रखना शेयर कर देना चैनल को बड़ी हेल्प बहुत मेहनत से बनाया हुआ है विच सो so, है रोमन में है ना ये प्लस सिक्स प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मतलब जो सबसे अधिक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है प्लस सिक्स ऑक्सीकरण अवस्था होती है मोर स्ट्रांगली मोर को हटा दो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर विद रेयर अनस्टेबल मतलब ये क्या होता है अनस्टेबल होता है रेयर हो में दुर्लभ होता है अनस्टेबल का मतलब अस्थाई होता है अस्थाई होता है ठीक है बेसिक टर्म्स तो क्या करना आपको सीख लेना उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है देखो फोर्थ नंबर क्या है सम कंपाउंड एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कुछ ऐसे यौगिक हैं जो शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं लाइक like कौन सा सी आर सी ओ सिक्स इट सोज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये क्या होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है बेसिक टर्म्स को क्लियर कर क्या लिखा जैसे क्या सी आर सी ओ सिक्स ये क्या होता है सी ओ क्या होता है देखो सी ओ होता है आपका कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोन सी ओ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जीरो तो क्या हमारा देखो सी आर सी ओ का होल सिक्स तो इसका निकालना होता है सेंट्रल मेटल का एक्स प्लस ये क्या छः कार्बोनिल सीओ का क्या होता है जीरो इंटू सिक्स इंटू जीरो बराबर जीरो के एक्स बराबर जीरो ऑक्सीडेशन मतलब देखो सी आर सी ओ सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है शून्य आ रहा है तो इस चीज को आपको क्या करना है समझना है तो ये देखो तो यह लिखा सम कंपाउंड एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक सी आर सी ओ सिक्स ये छे है छ होता है तो ज्योमेट्री कौन सी बनती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मतलब अष्ट अष्ट फलकीय फलकीय जमती हिंदी वाले समझते जाए थोड़ा बहुत ठीक है आपको क्या करना रटना नहीं है इसे नोट्स बनाना और इस एक्सप्लेनेशन को बार बार देखना है जब आप इसे बार बार देखते रहोगे तो ये चीज आपको क्या होती जाएगी याद होती हुई चली जाएगी ठीक तो अगला हम चलते हैं पॉइंट्स देखो पांचवा पांचवा पॉइंट क्या है बेसिक टर्म्स को क्लियर करो इसमें क्या लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी स्टेबल इन एसिडिक सोल्यूशन मतलब एसिडिक सोल्यूशन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बहुत स्टेबल होता है मतलब स्थाई होता इट इज ईजिली ऑक्सीडाइज टू क्रोमियम सिक्स इन एल्कलाइन सोल्यूशन मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा तो ये एल्केलाइन सोल्यूशन में ईजिली क्या हो जाएंगी ऑक्सीडाइज हो जाएंगी ठीक है बेसिक टर्म्स क्लियर कर लो ठीक है इजिली ऑक्सीडाइज टू टू का मतलब क्रोमियम मतलब इन जैसे जैसे बढ़ेगा जैसे देखो जीरो प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स जैसे, जैसे जैसे बढ़ेगा ये क्या होगा एल्केलाइन मतलब क्षारिय सोलूशन में एल्केलाइन सोलूशन का मतलब हिंदी में क्षारिय सोल्यूशन में इजीली क्या हो जाएगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ठीक है इसे आप बना लेना ये देखो आपके नंबर को जो है कि इंक्रीज कर देगा क्योंकि अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सबसे पहले इस ग्राफ को समझना ये पोटेंशियल है ठीक है ये वोल्ट वोल्ट का मतलब क्या होता है पोटेंशियल है ठीक है ये रिड्यूसिंग पोटेंशियल है सबसे पहले देख लो देखो जीरो है जीरो से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखो वोल्ट कितना हुआ जीरो पॉइंट नाइन वन बोल्ट क्रोमियम से क्रोमियम टू प्लस आन गया तो जीरो जीरो पॉइंट नाइन वोल्ट अब देखो क्रोमियम टू प्लस से थ्री प्लस गया तो जीरो पॉइंट फोर वन वोल्ट वोल्ट है ठीक है अब ये आपका क्रोमियम थ्री प्लस से सिक्स प्लस गया ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ठीक है गया तो क्या होगा यहां पर देखो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब क्रोमियम थ्री प्लस से क्रोमियम सिक्स प्लस गया तो देखो कितना है 1.33 पॉइंट थ्री थ्री वोल्ट वन वोल्ट और यार क्रोमियम से क्रोमियम सिक्स प्लस गया तो कितना बोल्ट आपका रिड्यूसिंग पोटेंशियल 0.30 पॉइंट वोल्ट अगर यही क्रोमियम क्रोमियम से क्रोमियम थ्री प्लस गया तो 0.74 पॉइंट वोल्ट याद रखना इसे बना लेना ठीक है ये प्रैक्टिकल वैल्यू होती है ये क्या होती है आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं याद रखना ये आपको याद रखना पड़ेगा अगला हमारा पॉइंट आता है आपका सिक्स सिक्स देखो सिक्स ये सिक्स नंबर क्या है विद इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ एसिडिक नेचर ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस इज इंक्रीजेस कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ये एसिडिक नेचर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का क्या होगा इंक्रीज होगा अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ क्रोमियम के यौगिकों का अम्लीय गुण बढ़ता है हिंदी में बोलेंगे विद इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर और एसिडिक नेचर ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस इज इंक्रीजेस ठीक है चलिए अब हम अगला टॉपिक चलते हैं अगला टॉपिक क्या है इसे देख लो अगला टॉपिक को देखना है ना आपको अगला टॉपिक को देखना है तो देखो बेसिक टर्म्स को बी पोर्शन याद रखना एक खत्म हो गया अब हमारा क्रोमियम का खत्म हो गया अब हम किसका करेंगे आपका हम किसका करेंगे आयरन का आयरन क्या हमारा बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसका आयरन आयरन का क्या बोलते हैं किसे डोनेट करते हैं एफ से एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 26, याद रखना तो 26, तो याद रखना इस बेसिक टर्म्स को तो क्या है देखो ये द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एफ क्या है थ्री डी सिक्स फोर एस टू क्या थ्री डी सिक्स फोर एस टू याद रखना मतलब मूल अवस्था में आयरन का ऑक्सी इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कितना होता है थ्री 4s2 होता है ठीक है यह चीज होगी आगे क्या लिखा है देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज वेरिएबल मतलब समझ में आ गया जैसे क्रोमियम में था इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है वेरिएबल होती अर्थात भिन्नताएं पाई जाती एक से अधिक पाई जाते इट मींस इट एग्जिबिट मोर देन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात यह एक से अधिक क्या ऑक्सीकरण अवस्था क्या प्रदर्शित करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन मतलब इज़ एंड थ्री याद रखिए मतलब कि जो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आयरन का मतलब जो एफ का होता है वो क्या होता है प्लस टू होता है और क्या होता है हमारा प्लस थ्री होता है टर्म इट इज जनरली सोज पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट नंबर ये सामान्यतः धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्या बेटा प्रदर्शित करते हैं इट इज अ पॉजिटिव नेचर अर्थात ये क्या पॉजिटिव नेचर मतलब पॉजिटिव प्रकृति के धनात्मक प्रकृति के होते हैं अब पहला पॉइंट्स कवर करते हैं ठीक है पहला पॉइंट्स को कवर करते हैं क्या है पहला पॉइंट देखते रहो पहला पॉइंट क्या दोस कंपाउंड मतलब वे कंपाउंड विच सोस प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं इज मोस्ट स्टेबल वो क्या होते हैं सबसे अधिक स्टेबल होते हैं अर्थात स्थायी होते हैं कंपाउंड ऑफ आयरन मतलब कि की, आयरन की वे यौगिक जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं मतलब और की तुलना में वो सबसे कंपेरिजन में सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट उनका होता है मोर स्टेबल होते हैं ये सब पॉइंट्स हैं ये आपको लिखना है तभी नंबर मिलेगा आगे क्या है द कंपाउंड विच सोज प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट द कंपाउंड विच सो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ बिहेव एज ए स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मतलब जो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मतलब स्लाइटली का मतलब थोड़ा स्लाइटली का मतलब अल्प अल्प मतलब थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मतलब ऑक्सीकृत लक्षण प्रदर्शित करता है थर्ड पॉइंट ठीक है थर्ड पॉइंट प्लस टू एंड प्लस थ्री ऑक्सीडन स्टेट ये रोमन है यह प्लस दो है ये तीन है प्लस टू एंड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट्स मच क्लोजर इन स्टेबिलिटी मतलब जो इनकी स्टेबिलिटी होती है जो स्थायित्व तो होता है वो सबसे क्या होता है ये क्लोज होता है मतलब कि बहुत स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता किनके किनके प्लस टू और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में फोर्थ पॉइंट एफ ई टू प्लस एन फॉर्म ग्रीन कलर्ड पॉजिटिव याद रखना जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं आ, पालक है पालक पालक का कलर क्या होता है ग्रीन होता है ठीक है तो याद रखना एफ ई टू प्लस आयन का ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बन लेकिन एफ ई थ्री प्लस आयन एलो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस मतलब कि देखो जब पालक पुरानी हो जाती है पुरानी होने पे पुरानी होने पालक कैसी होती है भाई पीली होती है तो इसका मतलब एफ ई टू से एफ ई थ्री प्लस जब बनता है एफ ई टू प्लस से एफ ई थ्री प्लस आयन बनता है तो उसका कलर कैसा होता है पीला कलर का कॉम्प्लेक्सेस बनाता मतलब यौगिक बनाता है छठवें नंबर पर देखो इट इज ऑल्सो एग्जिबिट प्लस फोर प्लस सिक्स ऑक्सीडेश मतलब जो एफ ई है वो प्लस फोर और प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित कर बट दे आर इन अनस्टेबल लेकिन ये क्या होते हैं आपके अनस्टेबल का मतलब क्या होते हैं अस्थाई होते हैं अस्थाई याद रखना जो Fe है आयरन इट इज ऑल्सो एग्जिबिट प्लस फोर एंड प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट बट दे आर इन अनस्टेबल फॉर्म लेकिन ये क्या होते हैं अस्थाई अवस्था में होते हैं। हैं ये ऐसे यौगिक जो रहते हैं आपके अस्थाई अवस्था में पाए जाते हैं ये बेसिक टर्म्स है इस चीज को देखते हुए चलो सातवां पॉइंट देखो देख रहे हो आप लोगों के लिए पॉइंट्स है एक भी पॉइंट मिस मत करना ठीक है ऑक्साइड्स ऑफ एफी मतलब आयरन के ऑक्साइड्स विच सो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज कॉल्ड फेरस विच इज कॉल्ड क्या Ferous. इसका मतलब जो एफ टू प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे क्या Fe2 तो वो उसके क्या तो बोलते बोलते हैं बोलते हैं फेरस फेरस ठीक है ferous. और जो Fe3 प्रदर्शित करते तो उसको फेरिक बोलते हैं याद रखना जो कंपाउंड प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे उनको फेरस और जो प्लस थ्री करेंगे उनको क्या बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड्स ठीक है यही बोला उसमें देखो oxides of iron Fe which show plus 2 oxidation state which is called ferrous oxide which is called ferrous oxide and which compound shows plus 3 oxidation state oxidation number is called what is called ferric oxide. ऑक्साइड उसे हम क्या बोलते हैं आपका फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं अर्थात जो प्लस टू ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करता है उसे फेरस ऑक्साइड बोलेंगे और जो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करेगा प्रदर्शित करेगा उसे हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं अब हम आठवें नंबर पे चलते हैं एट नंबर में क्या है आयरन ऑल्सो अकर इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो आयरन होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करता है लाइक पर्पल पोटेशियम फरेट मतलब के टू एफ ई ओ फोर कंटेन वॉट प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट व प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है जैसे ये देखो आप बेसिक टर्म्स देखते जाओ क्या है आपका के टू एफ ई ओ फोर ठीक है देखो के टू एफ ई ओ फोर तो हमको तो आयरन का चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का तो मैंने बताया आपको रटना नहीं है ठीक है नहीं तो दस साल की एक्सपीरियंस का क्या फायदा आयरन का चाहिए तो ये के है ठीक है जब ये के है तो अब के का हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे पोटेशियम का पोटेशियम का वन होता प्लस वन ऑक्सीजन का कितना होता माइनस टू अब देखो दो हैं तो टू इंटू प्लस वन प्लस एफ का क्या करोगे एक्स मानोगे ठीक है एक्स मान लिया इसे ऑक्सीजन फोर है फोर कितना होता है माइनस टू होता है इन टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो क्या हुआ प्लस टू प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल जीरो ये दो है दो में से आठ गए तो एक्स माइनस छः बराबर जीरो एक्स बराबर प्लस सिक्स मतलब कि कंपाउंड जो है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है तो इस बेसिक टर्म्स को समझ जाओ यहां पर ये लिखा है आयरन ऑल्सो अगर इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक पर्पल मतलब पर्पल पोटेशियम फरेट के टू एफ ओ फोर को क्या बोलते हैं के टू एफ फोर पोटेशियम फरेट कंटेन वॉट प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि क्या करता है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है प्रदर्शित करता है चलिए भाई ये भी गया अब सी पोर्शन चलते हैं क्या नया चीज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कोबोल्ट एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका ट्वेंटी सेवन सत्ताईस साल जब मैं सत्ताईस साल का था मेरी शादी हुई थी तो एटॉमिक नंबर कोबोल्ट का क्या होता है ट्वेंटी सेवन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देखो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट इज क्या बोलो फोर थ्री डी सेवन फोर एच टू कितना होता है देखो ये बीस हो गया बीस और सात सत्ताईस फोर एस टू तक बीस होता है बीस और सात सत्ताइस ठीक है इट शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट यह एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है इट शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज ऑल्सो एग्जिबिट क्या इट इज ऑल्सो एग्जिबिट एग्जिबिट कितना है सॉरी uh, ये है इट इज एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये क्या एग्जिबिट करता है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट करता है जनरली इट शो जनरली इट सो प्लस टू एंड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट सामान्यता ये क्या करता है आपका प्लस टू और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है याद रखना अगर कोई पूछे कि कोबाल्ट की सामान्यता जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है प्लस वन प्लस टू थ्री होता है लेकिन इट इज ऑल्सो एग्जिबिट क्या प्लस वन जीरो एंड माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना ये प्लस वन प्लस फोर है ये प्लस ये फोर है फोर प्लस वन जीरो एंड माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करता है कोबाल्ट इज आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये भी क्या होता है संक्रमण तत्व तो होता है जनरली इट शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सामान्यतः यह क्या होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है शो so करता है नोट ठीक है प्लस टू ऑक्सीडन स्टेट कंपाउंड इज मोर स्टेबल ये क्या होता मोर स्टेबल हो देन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ये नोट है याद रखना है. अगर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जिस कॉम्प्लेक्स का होता है वो मोर स्टेबल होता है क्या होता है मोर स्टेबल किसके कंपेरिजन में प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के ठीक है ये कई बच्चों को नहीं आता कि क्या होता प्लस टू ऑक्सीडेशन जिस कॉम्प्लेक्स का होगा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जिस कॉम्प्लेक्स का होगा वो मोर स्टेबल होगा किसके कंपेरिजन में प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपेरिजन में ठीक है अगला पॉइंट चलते हम ये ठीक है ये अब अब इसमें हम एक पोर्शन डालेंगे ठीक है एक पोर्शन डालेंगे उस पोर्शन को आपको क्या करना है समझना है क्या ए पोर्शन लोअर ऑक्सीजन स्टेट ऑप ये क्या है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट मतलब कोबोल्ट के निम्नतम ऑक्सीडेशन अवस्था और कोबाल्ट की उच्चतम ऑक्सीडेशन अवस्था ठीक है तो ये बेसिक टर्म्स है इसको क्या करना हमको क्लियर करना है तो क्या होगा देखो यहां पर तो देखते हैं तो सबसे पहले किसे पढ़ेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबोल्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबोल्ट इज कौन से माइनस वन जीरो प्लस वन इन फ्यू कंपाउंड्स याद रखना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से है? बोलो माइनस वन जीरो एंड प्लस वन ठीक है कोबॉल्ट के निम्नतम ऑक्सीडेशन नंबर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से हैं माइनस वन जीरो प्लस वन ठीक है पहला पॉइंट माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ज फाउंड इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब ये देखो जिनके चार हों ये देखो ये सेंट्रल मेटल आइटम है कोबोल्ट है ये कार्बोनिल है कितने हैं ये चार सी ओ है यह तो कोबोल्ट होता है और ये अगर बराबर है तो ये क्या होता है कार्बोनिल तो चार है तो ये टेट्राहाइड्रल देखो तीन और एक चार तीन और एक ये देखो तीन और एक चार कितने को टेट्राइड्रल जोमेट्री हो गए देखो माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज फाउंड इन टेट्राहड्रल कॉम्प्लेक्सेस लाइक दिस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन क्या सी ओ टू सी ओ का होल एट अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा देख लो देखो सी ओ सी ओ का होल फोर ये देखो माइनस वन है ठीक है रटना नहीं है ठीक है ये माइनस वन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए ठीक है इसका चाहिए हमको ठीक है इसका चाहिए तो इसका क्या मानोगे X, कार्बोनिल कार्बोनिले बताया था मैंने आपको कार्बोनिल कार्बोनिल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जीरो होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका जीरो होगा तो X प्लस फोर इंटू जीरो इज इक्वल टू माइनस वन एक्स बराबर क्या हुआ माइनस वन ठीक है ये देखो यही है ना देखो ये देखो ये माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो गया ये तो लिखा माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज फाउंड इन मतलब चार्ज कितना ऐसे इसमें भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो देखो देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं हम क्या बोला है देखो सीओ होल ट्वाइस सी ओ कार्बोनिल का एट तो देखो ये क्या है देखते ये टू एक्स हो जाएगा देखो ये टू एक्स ये दो है ना टू एक्स प्लस इसका क्या होता है जीरो होता है एट इंटू जीरो बराबर जीरो के टू एक्स बराबर जीरो के एक्स बराबर क्या जीरो के ठीक है तो इसलिए ऐसे कंपाउंड क्या होता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इन दिस एंड अगला कार्बोनील कंपाउंड इसमें देखो C4 है इसका भी 12 0 हो जाएगा तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 हो जाएगा अगला पॉइंट्स देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर फार आर फाउंड इन ओनली फ्यू कंपाउंड्स लाइक CO CO का होल 4 +1 ठीक है ऐसे कंपाउंड प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रदर्शित करते हैं लाइक मतलब जैसे ये निकाल के देख लो आप रटना नहीं है आपको क्या है बोलो सी ओ ठीक है क्या देखो सी ओ आगे क्या है सी ओ का होल फोर प्लस वन ठीक है सबसे पहले कोबाल्ट का निकालना है तो क्या करोगे बोलो एक्स ये कार्बोनिल होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जीरो होता है फोर इंटू जीरो बराबर किसके प्लस वन है तो प्लस वन उस साइड करोगे तो एक्स प्लस जीरो बराबर वन के एक्स बराबर ये प्लस है प्लस वन के तो ठीक है आपने देखा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है प्लस वन होता है. तो आपको रटना नहीं है ठीक है बेसिक फंडामेंटल्स आपको बता दूं कि आपको रटना नहीं है कोई चीज़ ठीक ये हो गया अब ये आपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिया अब हम क्या पढ़ेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट क्या होता है देख लो ठीक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हर जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है धनात्मक होती कौन कौन से हैं? प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव एंड प्लस सिक्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर पॉजिटिव इन नेचर जो हायर ऑक्सीड ऑक्सीक अवस्था वाले यौगिक मतलब कंपाउंड्स होते हैं वो धनात्मक होते हैं क्या होते हैं धनात्मक ठीक है जो हायर ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक होते हैं वो धनात्मक ऑक्सी धनात्मक प्रकृति के होते हैं प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेप आर मोर स्टेबल जो प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था होती है प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मोर स्टेबल होता है बट रिएक्टिविटी ऑफ कोबॉल थ्री प्लस मतलब प्लस तीन ऑक्सीडेशन वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं क्या होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं मतलब कहने का मतलब क्या होता है प्लस थ्री मोर रिए ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है, है तो ये होता है ये बेसिक टर्म्स हैं। इस चीज को क्या करना है क्लियर करते हुए चलना अब देखो इसमें पहला आ गया किसका आया देखो देख लो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबोल्ट में पहला क्या आ गया देखो यह पूरा डिटेलिंग पढ़ना है ठीक है यह क्या है प्लस टू स्टेट ऑफ कोबोल्ट प्लस टू ये प्लस टू है याद रखना यह प्लस टू है मतलब प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले योग द कंपाउंड ऑफ कोबोल्ट मतलब कोबोल्ट के कंपाउंड विच सो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते इज मोस्ट स्टेबल ये सबसे अधिक क्या होते हैं स्टेबल होते हैं लाइक सी ओ एच टू ओ का होल सिक्स थ्री प्लस एग्जिबिट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट यह यौगिक क्या करता है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है रिप्रेजेंट करता है ये मोर स्टेबल होता है स्टेट अदर कंपाउंड्स लाइक कौन से सी ओ एफ टू इज ऑल्सो एग्जिबिट प्लस टू ऑक्सीडेश सी ओ एच टू का होल सिक्स टू प्लस इज अ ऑक्टाहाड्रल ज्योमेट्री मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होती है आपकी इसकी इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है ऑक्टाहेड्रल क्या होती है ज्योमेट्री होती है इट सोज पिंक कलर ये किस कलर का होता है आपका ये कलर कौन सा होता है इसका बोलो पिंक कलर का होता है ठीक है गुलाबी कलर का होता है ठीक ये फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब जैसे आपको रटना नहीं है आप बोल रहे हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आ, कैसे जो है कि आपका ये टू प्लस है ठीक है ये क्या आपका टू प्लस ठीक देखो सी देखो सी ओ कोबॉल्ट एच टू ओ का होल सिक्स ठीक है टू प्लस अब देखो एच टू ओ का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एच टू ओ का जो याद रखना एच टू ओ का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है ज़ीरो क्या होता है ज़ीरो तो निकालो इसका क्या होगा एक्स इसका ज़ीरो सिक्स इंटू ज़ीरो पावर कितनी है प्लस टू प्लस टू लिख देंगे एक्स बराबर क्या आएगा प्लस टू ना इसीलिए बोला है कि सीओ एस टू का होल सिक्स टू प्लस एग्जिबिट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक अब सेकेंड ये क्या है प्लस थ्री ऑक्सीड प्लस थ्री ऑक्सीडे स्टेट ऑफ कोबोल्ट ठीक प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबोल्ट ठीक ये कौन कौन सा है हमारे पास कोबोल्ट थ्री डज नॉट अकर स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज कंपाउंड सॉरी कु थ्री प्लस मतलब कुबॉल थ्री ऑक्सीडेशन मतलब प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट अकर स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज कंपाउंड ये सबसे अधिक क्या ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकृत कंपाउंड का मतलब यौगिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है यौगिक होते हैं लाइक like कौन कौन से सी ओ टू ओ थ्री सी ओ एफ थ्री देखो सी ओ टू एफ ओ थ्री कैसे बनाता है देखो सी ओ टू ओ थ्री देखो ऑक्सीजन का कितना होता माइनस टू तो जब माइनस टू होता देखो इसका क्या हुआ दो हैं तो टू एक्स प्लस थ्री माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो के टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के टू एक्स बराबर छः के टू एक्स बराबर छः के तो एक्स बराबर सिक्स पॉइंट टू के टू तो तो नीचे आएगा थ्री एक्स तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया प्लस थ्री तो ये प्लस थ्री आ गया तो इस चीज को समझते हुए आप चलो कि ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है प्लस थ्री कॉम्प्लेक्स ये क्या करते कलरफुल कॉम्प्लेक्स बनाते लाइक ये हो गया येलो कलर का ये कंपाउंड आपका पर्पल का और ये कंपाउंड वायलेट कलर का होता है ये आपको टर्म्स मैंने बता दिया सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ठीक है अब थर्ड पॉइंट देखो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट क्या प्लस फोर ऑक्सीडेशन देखो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट अकर इन सिंपल कंपाउंड ठीक जो हमारा प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वो सिंपल कंपाउंड में अकर मतलब पाया नहीं जाता है जनरली ऑक्सीडाइज ऑफ कोबॉल्ट इज सो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक सी ओ ओ टू बी ए टू सी ओ फोर अब देखो सीखो ठीक है बेसिक टर्म्स रटना नहीं है ठीक है सी ओ ओ टू है देखो सी ओ ओ टू ठीक है एक्स ऑक्सीजन का कितना होता माइनस टू तो ये दो हैं माइनस टू होता ऑक्सीजन का बराबर जीरो एक्स माइनस फोर दो दुना चार जीरो एक्स बराबर क्या प्लस फोर ये देखो प्लस फोर हो गया हो गया तो इसी वे में आप इसका भी निकाल दोगे तो यही चीज है कि ये देखो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं ये ऑक्साइड है ना ये ऑक्साइड्स होते हैं बैरियम कोबॉल्ट ऑक्साइड्स हैं तो ये कोबॉल्ट डाइऑक्साइड्स हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होते हैं आपके प्लस फोर होते हैं तो इस चीज को आप क्या करोगे कवर करते हुए चलते हुए चले जाओगे ठीक है अगला डी पोर्शन ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल बहुत बढ़िया नाम है ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ निकिल ठीक है निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था हिंदी में क्या होगा बोलो निकिल की ऑक्सी ये देख सकते हैं आप ठीक है निकिल निकिल की ऑक्सीकरण क्या अवस्था ठीक है निखिल की ऑक्सीकरण अवस्था है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल एटॉमिक नंबर कितना होता है देख लो एटॉमिक नंबर लोिक्वेंटी ट्वेंटी एट होता है होता है आपका ठीक अट्ठाइस अट्ठाईस साल जो है शादी के लिए सबसे सुटेबल होता है ठीक है एटॉमिक नंबर ट्वेंटी एट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ निकिल इज थ्री डी एट फोर एस टू याद रखना ठीक है निकिल की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है थ्री डी एट फोर एस टू ठीक है आगे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इज वेरिएबल मतलब जो निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो वेरिएबल होती है वेरिएबल का मतलब एक से अधिक होती है मीन्स इट एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं जनरली मतलब सामान्यतः इट सोज मतलब ये प्रदर्शित करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर सम कंपाउंड एग्जिबिट निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर परंतु कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो निगेटिव ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करते हैं उसके बाद द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन ऑफ निकिल इज क्या माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर याद रखना इंपॉर्टेंट जो निकिल के ऑक्सीडेशन हम होते हैं यही होते हैं रिड एक जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ठीक आगे क्या है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स इज मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है वो क्या प्रदर्शित करते हैं प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट वो प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ठीक है आगे क्या लिखा है पहला पहला पॉइंट चलते हैं ठीक है पहला points, तो आप भी किस्तों में पढ़ना इसे द कंपाउंड ऑफ निकिल विच एग्जिबिट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल देन अदर निकिल कॉम्प्लेक्सेस मतलब वे यौगिक निकिल के वे यौगिक जो प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट प्रदर्शित करते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं निकिल के और यौगिकों की तुलना में हिंदी में हो गया सेकंड पॉइंट द सम कंपाउंड्स लाइक दिस इज एग्जिबिट माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऐसे कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जो माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कैसे देख सकते हो आप मैंने बताया है कि ये देखो ये माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर करेगा अब कैसे करेगा अब इसे ट्राई करते हैं ठीक है ये कंपाउंड्स ये कंपाउंड माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे करेगा देखते हैं ठीक है क्या लिखा बोलो निकिल होल ट्वाइस सी ओ का होल सिक्स क्या है माइनस टू ठीक अब निकालो ये दो है तो टू एक्स करना पड़ेगा कोबोल्ट का सॉरी कार्बोनिल है इसका क्या होता है जीरो होता है छः है सिक्स इंटू जीरो पावर कितना है माइनस टू टू एक्स बराबर माइनस टू के तो टू एक्स बराबर माइनस टू एक्स बराबर क्या माइनस टू पॉइंट टू क्या आएगा माइनस वन एक्स का क्या आया माइनस वन हो गया ठीक है. है तो ये देखो ये माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा ये प्रदर्शित करता है थर्ड पॉइंट चलते हैं ठीक है सम कंपाउंड्स लाइक दिस एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कुछ ऐसे कंपाउंडस होते हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं जैसे ये हो गया कैसे बोले तो इसका भी देख लो आप मैंने बोला है कि आपको रटना नहीं है ठीक है क्या बोला है एन आई एन आई क्या है सी ओ का होल फोल फोर इसका ऑक्सीडन निकल है एक्स ये कार्बोनिल होता है इसका क्या होता है जीरो होता है फोर इंटू जीरो बराबर जीरो 0. एक्स बराबर क्या जीरो मतलब ऐसे यौगिक होगी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं यही लिखा हुआ है यहाँ पर देखो बे कंपाउंड्स लाइक दिस एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं ठीक है अब फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसको देख लो सम कंपाउंड्स लाइक दिस एग्जिबिट प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऐसे कंपाउंड प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे करेंगे यह कंपाउंड है लिखते हैं K4 ठीक है एन आई ठीक है सी एन का होल सिक्स ठीक है पोटेशियम का कितना होता है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट चार है फोर प्लस वन प्लस एक्स सी एन का माइनस वन होता है माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब ट्वेल्थ की बात है और फोर्थ सेमेस्टर में सॉरी फोर ये क्या है? प्लस वन काल टू आई से उस्ताद ये तो क्या हो जाएगा तब टू एक्स हो जाएगा ठीक है टू एक्स बराबर किसके जीरो देखो प्लस फोर प्लस टू एक्स माइनस छ इज इक्वल टू जीरो अब देखो बेसिक टर्म छः में दो चार गए दो अर्थात टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो अब क्या होगा बोलो जब यहाँ देखो टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स बराबर टू के एक्स बराबर टू बाई टू ये वन आ गया तो ये देखो तो के फोर एन आई सी एन का होल सिक्स एग्जिबिट एक्ष प्लस फोर ऑक्सीडेशन सेट्स ये बेसिक टर्म्स हैं तो इसे क्या करता रहना आप क्लियर करते हुए चलना ठीक है पांचवा पॉइंट देख लो अब ठीक है पांचवा पॉइंट क्लियर करते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इज़ प्लस टू इट इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस याद रखना मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन निकिल का कितना होता है आपका प्लस टू होता है मतलब ये सबसे स्टेबल अर्थात सबसे अधिक स्थाई कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं सबसे अधिक स्थाई यौगिक ठीक है बनाते हैं इट फॉर्म कलर्ड मेटालिक कॉम्प्लेक्सेस ये कलरफुल मेटालिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं लाइक दिस दिस ये कलरफुल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं छठवें पॉइंट देखते हैं फिफ्थ हो गया सिंपल था निकिल ट्रांजिशन एलिमेंट आल्सो एग्जिबिट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकिल मतलब निकिल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ निकिल सोस प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब निकिल के ऑक्साइड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं लाइक like कौन से एन आई टू ओ थ्री प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है कैसे देख सकते हो एन आई टू ओ थ्री है ठीक है निकालो ये देखो ये टू एक्स है टू एक्स हो जाएगा प्लस थ्री ऑक्सीजन का कितना तो माइनस टू बराबर जीरो टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है टू एक्स बराबर छः के एक्स बराबर छः बाई टू के मतलब थ्री तो देखो एन आई कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट देखो प्लस थ्री आया कि नहीं आया प्लस थ्री बेसिक टर्म ठीक है पॉइंट देखो निकिल ट्रांजिशन एलिमेंट देखो निकिल ट्रांजिशन एलिमेंट रेयरली एग्जिबिट प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है जो निकिल ट्रांजिशन एलिमेंट होता है रेयरली मतलब रेयरली प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करती है इट फाउंड इट फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स ये अस्थाई यौगिक बनाते हैं ये क्या अनस्टेबल कॉम्प्लेक्से मतलब बनाना यह अस्थाई यौगिक बनाते हैं लाइक कौन से ये इज एक्सबिट प्लस फोर ऑक्सीडेशन इट इज अ रैपिडली हाइड्रोलाइज बाई वाटर ऐसे यौगिक क्या होते हैं कि तुरंत जो है कि वाटर के साथ रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं मतलब जल योजित तो हो जाते हैं संघनित हो जाते हैं कंडेंसेशन ठीक है ये सेवन पॉइंट्स हो गए अब ई लास्ट पॉइंट ठीक है अब ये लास्ट पॉइंट हम चलेंगे देखो अब हम क्या पढ़ेंगे ई पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर सी यू ठीक है अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर सी यू इसको पढ़ेंगे हम याद रखिए कि हमने कौन कौन सा कवर कर लिया ये बेसिक टर्म्स को देख लो ये, ये क्या ये देखो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया देख लो क्रोमियम का पढ़ लिया एफी का पढ़ लिया का निकल का अब लास्ट बचा है किसका कॉपर का हम इस कॉपर को क्या करेंगे कवर करेंगे ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर सी यू द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर इज क्या होता है देखो थ्री डी टेन फोर एस वन ड्यू टू फुलफिल्ड स्टेबल थ्री डी ऑर्बिटल्स अब देखो जब इसका क्या होता है कि रटना नहीं है देखो बेसिक टर्म्स में क्या बोला है थ्री डी टेन फोर एस वन थ्री डी डी में कितने बनते हैं आपका पांच ऑर्बिटल्स वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव हो गए अब देखो इसमें क्या है थ्री डी टेन है ना अब थ्री डी टेन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कंप्लीट है और फोर एस वन है ठीक है फोर एस वन है ये फोर एस वन हो गया ये थ्री डी टेन हो गया अब देखो फुल फील्ड है कि नहीं देखो पूरे भरे हैं कि नहीं बने? फुल फील्ड है पूर्णता भरा हुआ है जब पूर्णता भरा होता है तो ये तो क्या होता है स्टेबल होता है या तो हाफ फील्ड हो तब स्टेबल होता है या तो फुल फील्ड हो तब स्टेबल होता है हाफ फील्ड का मतलब ये देखो एक दो तीन चार पांच हाफ फील्ड है हाफ फील्ड है तब स्टेबल होगा ठीक है ये क्या है स्टेबल ये फुल फील्ड है फुल फील्ड है ये फुल फील्ड है तब स्टेबल है तो ये बेसिक टर्म्स को समझ जाओ ये बोलो तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज थ्री डी टेन फोर एस वन ड्यू टू फुलफिल्ड स्टेबल थ्री डी ऑर्बिट आगे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज वेरिएबल मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज वेरिएबल मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है अर्थात एक से क्या होती है अधिक होती है आगे हम चलते हैं ठीक है इस में

इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज क्या प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन ये क्या प्लस टू है ये प्लस वन है ठीक है ए पॉइंट ठीक है प्लस वन ऑक्सीडेश प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर ठीक है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉपर क्या करता है रिप्रेजेंट करता है ठीक है अब पहला देखो क्या लिखा है

प्लस आई है ना प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं वो कलर लेस होते हैं डाई है मैग्नेटिक होते हैं अर्थात प्रतिचुंबकीय होते हैं ड्यू टू ज़ीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके कारण इनके पास जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात ये देखो इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जीरो हैं ये देखो ये देखो सारे भरे हैं ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है ज़ीरो हैं इसलिए ये क्या होते हैं आपका कलर कलर लेस होंगे ठीक है ये कलर लेस होंगे या तो क्या होंगे आपके कलर लेस होंगे और डाई मैग्नेटिक होंगे कलर लेस होंगे या क्या होंगे आपके डाई मैग्नेटिक होंगे मतलब प्रति चुंबकीय ठीक है टर्म्स को क्या करो आप क्लियर करते हुए चलते हुए चलो ड्यू टू किसके कारण जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अर्थात इनके पास जीरो इलेक्ट्रॉन्स होते सी यू टू ओ हो गया सी यू बी आर हो गया सी यू सी एल हो गया देखो सी यू टू ओ में देखो माइनस प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होता है देखो सी यू टू ओ ऑक्सीजन में कितना होता है माइनस टू होता है देखो ये दो है तो टू एक्स प्लस ऑक्सीजन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अर्थात क्या हो गया बोलो टू एक्स इज इक्वल टू टू के एक्स बराबर टू बाई टू प्लस वन आ गया ना ये देखो ये सी यू बी आर का देख लो सी यू बी आर तो ब्रोमीन का क्या ना होता माइनस वन होता है तो एक्स प्लस बी आर का क्या होता है माइनस वन बराबर जीरो के एक्स बराबर प्लस वन के क्लियर तो ये बेसिक टर्म्स हो गया अब देखो कि सेकंड पॉइंट आगे हमारे पास कि प्लस टू ऑक्सीडेंस स्टेट ऑफ कॉपर सी यू मतलब प्लस टू मतलब ये प्लस टू ऑक्सीड प्रदर्शित करने वाले स्टेट ऑफ कॉपर सी यू ठीक है क्या इसमें देखो एक्सप्लेनेशन में प्लस टू ऑक्सीडेंस स्टेट इज मोस्ट स्टेबल एंड इंपॉर्टेंट फॉर कॉपर मतलब ये कॉपर की सबसे स्टेबल सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मतलब वे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मोस्ट स्टेबल होते प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल एंड इंपॉर्टेंट फॉर एंड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर कॉपर ठीक है इन सी यू टू प्लस एन मतलब प्लस टू ऑक्सीडेशन सी यू टू प्लस एन हैज अ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सी यू टू प्लस में वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अर्थात कहने का मतलब क्या होता है कि ये देखो ये चला गया एक ये चला गया तो ये अनपेड बचा ना ये वाला क्या हुआ अनपेड बचा अनपेड का मतलब अयुग्ित अनपेड बच गया ठीक है थ्री डी वन ओ एनी वन अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब एक अयुग्मित यौगिक होते हैं इन थ्री डी ऑर्बिटल मतलब थ्री डी ऑर्बिटल में सी यू टू प्लस आई कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड मतलब कलरफुल होते हैं एंड पैरामैग्नेटिक नेचर के होते अर्थात चुंबकीय अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं अनुचुंबकी है। अनुचुंबकीय प्रकृति के जनरली इट जनरली इट फॉर्मड ब्लू कलर ये जनरली क्या करते हैं ब्लू कलर के होते हैं ये जनरली ब्लू कलर के होते हैं लाइक क्या सी रात को बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कीड़े मकोड़े यही आएंगे ठीक है फॉर्मड ब्लू कलर लाइक सी यूसो फोर सी यू एच टू ओ का होल सिक्स टू प्लस इट एग्जिबिट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ज्योमेट्री ये छे है छे पे क्या होती है ऑक्टाहाड्रल डिस्टॉर्टेड ऑक्टा हेड्रोल ज्योमेट्री होती है ठीक है आप देख सकते हो सी एसओ फोर सी यू एसओ फोर एसओ फोर का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता माइनस टू तो एक्स कॉपर का प्लस माइनस टू इज इक्वल टू तो जीरो एक्स बराबर प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट इसका मतलब देखो प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है ये प्रदर्शित कर रहा है ठीक अब प्लस थ्री देखो प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट रेयरली एग्जिबिट बाई कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट रेयरली होता है याद रखना दुर्लभ सामान्य इट फॉर्म अनस्टेबल नेचुरली ये क्या होते हैं अस्थाई होते हैं प्राकृतिक रूप से अस्थाई होते हैं जैसे के सी यू टू सी यू ओ टू एग्जिबिट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है? ये आपका जो है, बन गया है तो प्लीज इसे जो है कि शेयर कर देना ये आपका देखो कि ये ये पोर्शन मैंने क्या कर दिया कवर कर दिया है कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से है? ये देखो ये पोर्शन आपका कवर हो गया ठीक है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक क्या करें आप शेयर करें ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस